हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आधार के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के 3 सेक्शंस को रद्द किया है, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 47, दूसरा है सेक्शन 57, तीसरा है सेक्शन 33 सब सेक्शन 2। आइए जानते हैं कि इन तीनों सेक्शंस के रद्द हो जाने से हमें यानी कि आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। सेक्शन 47 के अंतर्गत पहले किसी भी तरह की डेटा ब्रीच के आपराधिक मुकदमे सिर्फ UIDAI ही दायर कर सकती थी, पर अब इस सेक्शन के रद्द हो जाने के बाद कोई भी आम शख्स या आम इंसान जिसे लग रहा है कि उसके डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऐसे आपराधिक मुकदमे दायर कर सकता है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 57। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार की डिटेल्स यूज़ करने की परमिशन थी, बट इसके रद्द हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी की पहचान वेरीफाई करने के लिए पहले से और साधन भी मौजूद हैं, इसके लिए सिर्फ आधार की डिमांड नहीं की जा सकती। इससे होगा ये कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आधार की डिमांड आपसे नहीं कर पाएगी, जैसे कि आप सिम कार्ड लेते थे या फिर कोई भी और जगह, किसी भी और जगह जहाँ आप जाते थे वहाँ आपसे आधार की डिमांड की जाती थी उस सर्विस को देने के लिए, बट अब ऐसा नहीं होगा। ये आम जनता के ऊपर है कि वो अपने आधार की डिटेल्स उन्हें देना चाहता है या नहीं। अब आते हैं तीसरी सेक्शन की ओर। ये तीसरा सेक्शन है सेक्शन 33 सब सेक्शन 2। इस सेक्शन के अनुसार किसी भी व्यक्ति के डिटेल्स या उसकी निजी जानकारी जो कि आधार में है उसका खुलासा किया जा सकता था, बट अब इसके रद्द हो जाने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इन सेक्शन के रद्द हो जाने से हमें फ़ायदे तो हुए हैं और ये फ़ायदा बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर हम पहले मोबाइल सिम लेने जाते थे तो हमें आधार की डिटेल्स देने पड़ती थी, या फिर हमें अपने मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करना पड़ता था, हमारे बैंक अकाउंट से भी आधार को लिंक करना कंपलसरी था, पर अब ऐसा नहीं है, अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक नहीं करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, या फिर सिम से लिंक नहीं करते हैं तो सिम कार्ड बंद हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब बिना लिंक किए भी ये सर्विसेज हम ले सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी फ्रेंड्स, होप आपको ये पसंद आया होगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। गुड बाय।